मामले में एक नया अपडेट आया है। सलमान के घर हुई फायरिंग का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं शूटर। गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास से शूटरों ने फायरिंग की है। जेल में बंद बदमाशों से मुंबई एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है। दोनों शूटर्स को गुजरात से मुंबई ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, गैलेक्सी अपार्टमेंट में रविवार सुबह तकरीबन 5 बजे दो बाइक सवार बदमाश आते हैं और 3 राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हो जाते हैं। पहले कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे जिसके आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर ली गई है मुंबई क्राइम ब्रांच ने। और जो हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दोनों शूटर हैं, शूटर एक शूटर दो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों शूटर्स को फिलहाल जो है वो गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इनका कनेक्शन किससे है, किसके कहने पर इन्होंने गोलियां चलाई, कहां से इन्हें हथियार सप्लाई किए गए और किसके कहने पर ये यहां पर पहुंचे थे, कहां के रहने वाले हैं और क्या इनका मकसद है, क्या इससे पहले भी इन्होंने कोई ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, इनका पीछे का क्राइम रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। इन सभी पहलुओं पर अब आगे चर्चा की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में ये गिरफ्तारी का होना, ये साफ तौर पर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा क्लू है। तो सलमान खान के घर हुए हमले पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे का मकसद सलमान खान को डराना और फिल्म इंडस्ट्री में दहशत पैदा करना है ताकि वसूली का कारोबार आसानी से मुंबई में जमा सके। सूत्रों का यह भी दावा है कि इसीलिए गैंगस्टर अनमोल विश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली गई उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया गया। सूत्रों के मुताबिक दाऊद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताना था कि मुंबई में दाऊद की कोई हैसियत नहीं बची है और उसकी जगह लॉरेंस गैंग ने ले ली है। तो गुनहगारों की तलाश लगातार जारी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है और लगातार तफ्तीश की जा रही है और ये कच्छ से 2 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्योंकि इसमें लॉरेंस गैंग का नाम शामिल है तो ऐसे में अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी इस गैंग के सभी लोगों से। फिलहाल जो है देखिए पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और वो जो है लगातार तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। अब जो परिवार के लोग हैं वो जब वॉक पर निकले हैं तो तब भी पुलिस का पहरा लगातार जारी है और बकायदा वहां पर जो मीडिया है उसे भी शूट करना अलाउ नहीं किया जा रहा है सुरक्षा कारणों के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले 4 और ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। सभी ट्रेनी एसआई राजस्थान पुलिस अकादमी यानी आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे थे और सभी को कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट का मामला। एसओजी ने 4 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। डमी कैंडिडेट बैठाकर पास की एसआई परीक्षा। रविवार को भले ही अवकाश था लेकिन एसओजी का मकसद साफ था। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में डमी